हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? वैसे तो मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो वैसे आज हम लोग चल पड़े हैं, गुरु बोल सकते हैं उनको, क्योंकि अभी तो उनसे हम लोग मतलब शिक्षा नहीं लिए हैं, लेकिन ऐसे बहुत मानते हैं और बहुत उनका आदर करते हैं। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं गुरु अनिरुद्धाचार्य जी से मिलने के लिए, उनके आश्रम गौरी गोपाल आश्रम में। तो आप लोग मेरे साथ बने रहे, मैं आपको बताऊंगे कि उनसे कैसे मिला जा सकता है और कहाँ पे मिला जा सकता है, उनके आश्रम में क्या है और कैसे वहाँ पे रहा जा सकता है और वहाँ का भोग लिया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे उनसे मिलना हो पाएगा। तो बने रहे मेरे साथ। प्रिय भक्तों, आप लोगों का पहला प्रश्न यही होगा कि गौरी गोपाल आश्रम कहाँ है, महाराज जी के पास कैसे पहुँचे। तो भक्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि गौरी गोपाल आश्रम मथुरा वृंदावन में है, जो यूपी में पड़ता है। अगर आप लोगों को यहाँ पे आना है तो ट्रेन की सुविधा है और बहुत ही आरामदायक है, उसी से आप लोगों को मैं बताऊँगी कि आप लोग आएँ, वरना बस से बहुत दिक्कत होगी यहाँ पर आने में। तो आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मथुरा आना होगा, जो कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन है और वहाँ पे आप आसानी से आ सकते हैं आप अपने शहरों से। तो मथुरा से आपको रिक्शा या टेम्पो मिल जाएगी वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम के लिए, जिसकी दूरी 11 किलोमीटर है लगभग। इस आश्रम में आने के बाद से बहुत ही शांति मिलती है, यहाँ पर आप दाने पुण्य भी कर सकते हैं। तो भक्तों, ये है गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम। इसी जगह पर वृद्ध माताओं को रखा गया है और उनका सेवा किया जाता है। और ये हैं हमारे पूज्य गुरुदेव जी, जो यहाँ पे अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। वैसे तो जब मैं यहाँ पर पहुँची तो ये बहुत ही हम लोग बोल सकते हैं कि भाग्यशाली है कि हम लोग इनका दर्शन कर पाएँ, क्योंकि गुरु जी को कहीं निकलना था। और इस मतलब जब हम लोग पता किए कि गुरु जी से मिल पाएंगे कि नहीं, तो बहुत लोगों ने बताया कि नहीं, क्योंकि आज मिलना नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो प्रवचन है वो भी ख़त्म हो गया है और गुरु जी को कहीं शाम को निकलना है। लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे और फिर हम लोग वृद्धा आश्रम गए तो पता चला कि अभी गुरु जी आने वाले हैं। तो आप लोगों को जब भी मिलना हो आप यहाँ पर मिल सकते हैं गुरु जी से, क्योंकि यहाँ पर हमेशा वो अपने भक्तों से मिलते हैं और बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के धनी महापुरुष हैं, बोल सकते हैं कि इनका जो आचरण है वो आप देख सकते हैं कि बहुत ही साधारण है। और हम लोग की खुशी आप देख सकते हैं मेरे चेहरे से, क्योंकि मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ यहाँ पर आकर, आत्मा तृप्त हो गया ऐसे बोल सकते हैं कि इनसे मिलने के बाद से, क्योंकि हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे और ना ही सोचे थे कि जब मैं यहाँ पर आऊँगी तो मिल पाऊँगी। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया और बोला जाता है ना कि प्रयास कभी विफल नहीं होता है। तो जो भी आप अगर प्रयास कर रहे हैं तो उसका परिणाम आपको मिलना ही है, चाहे वो देर से ही सही। तो इसी बात पे सारे भक्तों एक बार बोलिए राधे राधे। इस आश्रम में हमेशा डेली मतलब बोल सकते हैं हर रोज़ भोजन की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। जो भी भक्तगण आते हैं गुरु जी से प्रवचन सुनने, उनके रहने खाने पीने की उचित सुविधा गुरु जी के द्वारा किया गया है। यहाँ पर कोई भी मतलब व्यक्ति आए बिना खाए या प्रसाद ग्रहण करे ऐसे नहीं जाता है, नीचे हमेशा भंडारे होता है। वैसे ये गुरुजी सेकंड फ्लोर पे मतलब अभी हैं और नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर में वहाँ पे भंडारा चल रहा है। तो आप देख सकते हैं गुरुजी को चेहरे से आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर कितनी शालीनता है, और थोड़ा भी ये नहीं है कि मतलब नहीं, मतलब कुछ नहीं, एकदम साधारण, मतलब साधारण से भी साधारण। और मैं तो मतलब फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि मैं कभी सोची भी नहीं थी कि जो जिनको हम टीवी पे देखते हैं, जिनका प्रवचन मेरे घर में पूरे दिन चलता रहता है, मैं उनसे कभी मिल भी पाऊँगी। तो ये भाग्य हम लोगों के लिए तो मतलब भाग्य की बात है और गर्व की बात है कि मैं वहाँ तक पहुँची और उनका दर्शन प्राप्त की। तो आप लोग को भी अगर जब भी आना हो तो आप सबसे पहले वृंदावन आए मथुरा, और मथुरा से वृंदावन, और वृंदावन से बोल सकती हूँ कि गौरी गोपाल आश्रम, जो वृद्धा आश्रम बोल सकते हैं, वहाँ पे आप आ सकते हैं, क्योंकि गुरु जी वहीं पे रहते हैं और वहाँ पे भक्तों को दर्शन देते हैं और उनकी जो व्यथाएँ होती हैं उनको सुनते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। तो मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ यहाँ पर आके, और आप देख सकते हैं कि मतलब, वैसे मैं बता दूँ कि मैं काफ़ी देर तक यहाँ पर रुकी थी और जो वृद्ध माताएँ हैं उनका भी दर्शन मैं की थी। तो मैं भी आपको कराऊँगी, उन लोगों को बताऊँगा अभी
आपको भी दिखाऊंगी कि वो लोग कैसे रहते हैं, उनकी क्या सुविधाएं उनको गुरुजी ने प्रोवाइड कराया है और कितना उनका सेवा सत्कार किया जाता है इस आश्रम में। तो हम लोग देख के तो मतलब देख करके बहुत चक्के भी रह गए कि इतने अच्छे अच्छे घरानों के जो माता पिता हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको कैसे इंसान छोड़ देता है अपने फायदे के लिए। तो जब मैं आप लोगों को ले कर चलूँगी ऊपर तो दिखाऊँगी। और माताओं से हम लोगों ने बात भी किया था और उनसे पूछा भी था कि आप लोग यहाँ पे क्यों रहती हैं, तो उनका बहुत ही पीड़ादायक जवाब था कि क्या करें जब घर वालों ने छोड़ ही दिया है, अब बेटा और मतलब जो बहू है वो तो छोड़ ही दिए हैं तो कहाँ जाएंगे, बेटा बेटी का कोई मतलब ये नहीं है कि मेरी माँ कहाँ है। तो इसलिए गुरुजी ने उनको अपने पास रखा है और उनका सेवा सत्कार करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुरुजी के द्वारा भक्त को आशीर्वाद देते हुए, और मैं तो मतलब पूर्ण ही हम लोग मग्न हो गए थे यहाँ पे आके। भक्ति में जो हम लोग के अंदर भाव जागृत हुआ था बहुत ही मतलब यादगार है हम लोगों के लिए। और मतलब वैसे तो मैं बता दूँ कि बहुत कड़ी धूप थी और हम लोग संकोच कर रहे थे कि नहीं चला जाएगा ऐसे, पता नहीं कि हम लोग मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हम लोग का प्रयास सफल हुआ और मतलब इतना करीब से जाके गुरु जी का आशीर्वाद लेना और उनका दर्शन करना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो जब भी आपको आना हो, आप लोग निराश ना हो कि मिल पाएंगे या ना मिल पाए, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी सबसे मिलते हैं और बहुत ही इनका ये है कि अगर भक्तगण इतने दूर से आए हैं तो वो उनसे मिल ही लेते हैं। इनके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेंगे या नहीं करेंगे, ये एक समय पे सबसे मिलते हैं और सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पे गुरुजी को कहीं निकलना था जिस कारण वो ज़्यादा देर तक नहीं रुके, लेकिन जितना ही देर रुके सारे भक्तगणों की बात सुने और सबसे मिले। और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करते हुए बहुत ही बारीकियों से, क्योंकि मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ, पता नहीं फिर समय कब बुलाएं यहाँ पे और कब ना। तो अब गुरुजी को निकलना था जिस कारण वो भक्तों से मिल के अब निकल गए और हम लोग आ गए नीचे, जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोगों का भीड़ जमा है, क्योंकि यहाँ पर खाना पीना रहना सब का व्यवस्था है। वैसे आपको मैं बात बता दूं कि जब भी आप लोग गुरुजी से मिलना हो तो आप डेली मिल सकते हैं 9 बजे सुबह में, क्योंकि वो दीक्षा देते हैं, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। और हम लोग की चढ़ाई हो गई है ऊपर, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं वृद्ध माताओं से मिलने के लिए और देखने के लिए। और मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि हम लोग धन्य हो गए उनका दर्शन पाकर, तो मतलब बहुत ही मन प्रसन्न हो गया था, क्योंकि आप बिना सोच के भी ना आए और वो कार्य आपको मतलब कार्य आपका पूरा हो जाए तो जो खुशी होती है वही खुशी हम लोग यहाँ पर फील कर रहे हैं। तो हम लोग चल पड़े कि देखने के लिए कि क्योंकि यहाँ का नियम है कि अगर आप आए हैं तो अगर वृद्ध माताओं से नहीं मिलेंगे तो आपका दर्शन मतलब लाभकारी नहीं होता है। तो इसी कारण हम लोग भी सोचे कि क्यों ना हम लोग भी चल कर देखें, और देखना भी ज़रूरी है क्योंकि जो लोग छोड़ चुके हैं अपने माता पिता को, देख के कुछ ना कुछ तो लोग सबक सीखेंगे ही कि छोड़ना उचित नहीं है। और यहाँ पर हम लोग मतलब अंदर देखिए सारी व्यवस्थाएँ हैं, सब कुछ मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये अपने से हम बात भी की है और बहुत ही मन प्रसन्न हो गया, ये माताएं मतलब इसमें अपने सारे सुविधाओं के साथ आचार्य जी रखे हैं इनको। और मेरी आत्मा तो मैं यही बोले थी कि तृप्त हो गया इनसे मिलकर, और देख के भी बहुत दुख हुआ कि कैसे कैसे लोग हैं जो छोड़ देते हैं अपने माता पिता को। तो मतलब ऐसे किसी के साथ ना हो और ना ही कोई ऐसी परेशानी आए जिस कारण छोड़ना पड़े। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग मतलब पूरा देख रहे थे कि कैसे क्या करना है, क्योंकि हम लोग भी पहली बार विजिट किए हैं। और ये जो मैं जानकारी दे रही हूँ ये किसी भी मतलब बोल सकते हैं प्रमोशन नहीं है, और ना ही इस चीज़ का मैं प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि ये एक साधारण सी जानकारी थी मेरे द्वारा, जो जिनको ना समझ में आए ना मतलब कुछ पता चले वो इस चीज़ से पता कर सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से, उनको कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए। और एक ये मतलब बोल सकते हैं एजुकेशनल ब्लॉग बोल सकते हैं, जिससे बच्चों को या लोगों को जानकारी मिल सके। इसमें कोई ये नहीं है कि मैं ये गौरी गोपाल आश्रम का प्रमोशन कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मेरे चेहरे से मेरी खुशी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हम लोग खुश हैं। हो गए थे कि
बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं मोबाइल बार बार चेंज कर रहा है, अलर्ट आ रहा है कि बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत हाई है, पर हम लोगों का शक्ति उससे भी ज़्यादा हाई है। हम लोग ये धूप जला नहीं सकता है, हम लोग वैसे निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग चल सकते हैं ना। वही है ना कि जो छोटा है वो छोटा है और जो जागता है वो पाता है, तो मजाक करता है नहीं। प्रेम मंदिर ठीक है, बाय बाय। साइड में